कंडीशन क्यों होती है, कैसे होती है? तो ये जो डिजीज होती है ये मेनली प्री टर्म बेबीज में होती है, ठीक है, और डायबिटिक मदर में होती है, डायबिटिक मदर से जो न्यूबॉर्न होता है उसमें उसमें होती है, या फिर बीच प्रेजेंटेशन से डिलीवर्ड हुआ बेबी है उसमें हो सकती है, या फिर सिजेरियन सेक्शन से जो बेबी हुआ है डिलीवर्ड उसमें ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो इस डिजीज में क्या होता है, पूरे लंग्स में एटिलैक्टेसिस हो जाता है और एल्वियर डक्ट और जो टर्मिनल ब्रोंकियोस हैं उनमें सर्फेक्टेंट की कमी के कारण हाइलिन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ कॉजेस हैं, तो लंग इमेच्योरिटी, लंग इमेच्योरिटी के कारण ये हो सकता है, अगर बेबी प्री टर्म हुआ है तो उसके लंग इमेच्योर होते हैं, ठीक है, और जैसे प्री टर्म बेबी में, ठीक है, और हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया भी इसका एक कॉज हो सकता है, हाइपोथर्मिया, ठीक है, और एसिडोसिस और हाइपोक्सीमिया और जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ सर्फेक्टेंट सिंथेसिस, मतलब जो सर्फेक्टेंट होता है जो जो लेसिथिन जिसको बोलते हैं, तो लेसिथिन के सिंथेसिस में जेनेटिकली डिसऑर्डर हो, ठीक है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ठीक है, या फिर फैमिली हिस्ट्री हो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं। तो सर्फेक्टेंट क्या होता है, तो सर्फेक्टेंट ये लेसिथिन होता है जो कि एल्वियर सेल के द्वारा फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है, एल्वियर सेल इसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है, और जो सर्फेक्टेंट होता है वो एल्वियर को कोलेप्स होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन जो होता है वो 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से स्टार्ट हो जाता है फिटस में और टर्म तक आते आते फुल इसका प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में इसके सिम्टम्स बर्थ के 4 to 6 आवर्स के बाद में आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और अगर मतलब जो कुछ क्लिनिकल फीचर है जैसे रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 वीक पर मिनट, या फिर रिप रिट्रैक्शन एंड एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग होना बेबी में, या फिर साइनोसिस, तो अगर इनमें से 2 से ज़्यादा अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि वो फीटर वो न्यूबॉर्न इस कंडीशन से अफेक्ट है, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, ठीक है, और ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे और रीनल या फिर लीवर या रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, कल्चर या सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं और पल्स ऑक्सीमेट्री से ओ2 का सेचुरेशन देखते हैं फिटस में और जस्ट एक्सरे करते हैं, ठीक है, तो उनमें हमको ये कंडीशन दिखाई देगी। उसके बाद में इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसे, तो 34 वीक से पहले अगर प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है तो मदर को बीटामिथाजोन देंगे, ठीक है, ये स्टेरॉइड होता है बीटामिथाजोन जो कि लंग्स फीटल लंग्स की मैच्योरिटी करवाता है, ठीक है, जो जो फीटस के लंग्स हैं उनकी जो मेच्योरिटी है उनको फैसिलिटेट करता है बीटामिथाजोन, ठीक है, और बेबी की डिलीवरी के बाद में एंडोट्रेकियल ट्यूब की हेल्प से जो सर्फेक्टेंट होता है उसको आर्टिफिशियली लंग्स में डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद में प्रीटर्म लेबर का इंडक्शन अगर करवाते हैं तो उस समय लंग्स मेच्योरिटी को असेस करना चाहिए,
सर्फेक्टेंट थेरेपी देते हैं, ठीक है। जैसे कि लेसिटिन सर्फेक्टेंट जो होता है वो एक मेन कंपोनेंट होता है, इसका डायरेक्ट ट्रेकिया में इंस्टीलेशन किया जाता है, ठीक है। और नॉर्मली बेबी को इंट्रागेस्ट्रिक फीडिंग दी जाती है, और उसके अगर बेबी को वोमिटिंग हो रही है या फिर एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो 70 ml पर kg बॉडी वेट पर डे के अकॉर्डिंग 10% ग्लूकोज को IV एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन,